हेलो हाय नमस्ते, आशा करछु भल थे समस्ते। तो बहुत दिन आशा गोटे थी माँ भट्टारिका पीठ को बुले जावा, तो फाइनाली मुझे आज पहुँची माँ भट्टारिका पीठ से। तो फास्ट आम एटी कौन गाड़ी पार्किंग करदेलु और टिकेट प्राइस थिला गाड़ी पिछा 20 टाँह टू व्हीलर आउ बड़ गाड़ी पे थिला 50 टाँह। तो ये चलते जी पीठ भितर को। तो मंदिर बाहर परेश कि भाव में अच्छी, तो ताकू फास्ट आम देखा। तो यहाँ हूँ मुख्य द्वार मेन गेट, तो यह देखिए आम भर को एंट्री करवा। पाखे भोग दुकान अच्छी, रहा पार्किंग एरिया, आम येपटू आसलु। तो यहपट मेन रोड रोच, मेन रोड रु 5 किलोमीटर रहा डिस्टेंस माँ का मंदिर। सांग मैंने आउ लेट करें मारि चल मंदिर भितर पार्श्व को, मंदिर भितर परेश भितर माहौल केमती अच्छी देखा आपण को देखी। मंदिर पछपाश रही रत्नगिरी पर्वत और आगे बही जाऊँगी विराट महानदी, से बहुत बड़ नदी होता है तार ना है महानदी। तो मंदिर माहौल किभली अच्छी, मंदिर में कौन कौन भगवान अच्छा देखा, मंदिर परेश मजा उठेबा। धीरे धीरे पाद आगो को मारी चलला, परेश कोभोग करें। प्रथम ये रे शिवजी गोटे मंदिर थिला, सी मध्य महानदी सम्मुखरे आ सुंदर सुंदर झोटी भी आपण देखिपे के सुंदर झोटी पड़ी। वाह सतरे के सुंदर जगह टीए, हृदय शांति भक्ति भरी जाऊँ। आपण मैंने निहाती यहाँ को आसतु, आम 5 जन आसलु। तो आगे से मैंने गले मो पचर भिडियो कर लास्ट जाए भिड देखु, भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक सेयार सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलानी। तो ये देखिए दे नदी रही कर दे कि बही वर्षा जोर हुए ना पूरा मंदिर भितर पा पशे आप देखी थे। बर्तमान समय हूँ 12:30 पाखला दीपर समय, से लोक मैंने एटिक आसी ना। तो जो मैंने आसा समय आसे 8:30 पर मंदिर खोलुची 12:30 जाए, तापर अपराह 3 संध्या 6 पर्यंत खोलुची। तो आम मझी समय आसिक पहुँचू, तो मंदिर बंद हो जाए। तो कि समय ये बुला बुली करने मन स्थिर कला ना, ये सुंदर झोटी को देखी सारा चिंता कली माँ को दर्शन तो 3 पर करवा। एमें रत्नगिरी पहाड़ पर चढ़ा, से कौन कौन मंदिर अच्छे शुणी से सुंदर सुंदर मंदिर अच्छी, पथर या मंदिर होकू आम देखा। सबू तो अलरेडी ऊपर को चढ़ीगले, समस्त मन उत्साह, समस्त मन आनंद, नुआ जगह देखिए, नुआ जगह बुलवे। समस्त यहाँ हूँ फास्ट थर, समस्त हूँ प्रथम थर, कहीं भी आगुरी एठिक आस ना माँ भट्टारी पीठ को कहीं भी दर्शन कर ना प्रथम समस्ते ही फास्ट। तो चलत धीरे धीरे आग को जी देखिपे जी पहाच मध्य हो जा रत्नगिरी पहाड़ उपर देख गोटे घर नूतन घर या प्रपोजाल यार कारण हो पारे कि बनिया समय पा मड़ आसे, तो लोक मान आश्रय स्थल भाव यही रखा आउ माँ पूजा अर्चनार किसी असुविधा न हो, तार सुविधा सुजोग केमती रही। तो से घर टी कर मंदिर अच्छी जोटा कि पूरा उपर भाग अच्छी, जो वर्षा समय बनिया समय माँ पूजा अर्चना कराए। मुझे जाऊँ आप देखी बाटे गणेश महाप्रभु गणेश प्रभु मंदिर, तापर किसी माता मंदिर भी अच्छी। पहाड़ उपर भाग में पाद रखु रखु प्रथम आमको गोटे मंदिर देखाला, जहाँ थी एक देवी माता मंदिर। तो समस्ते जा भक्तिर सहित सेठे मुंडिया मारे प्रणाम जन। तो मंदिर देखिपे छोटिया मंदिर कराई कि यार गढ़न शैली, यार मंदिर स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत ही सुंदर अच्छी। तो माँ को किसी ना ये लिखा जा ना, तो तेणु चिन्हवे बहुत असुविधा होगा। तो देखिप तथा माँ को मंदिर तो प्रणाम आम जनइलु, आणाम जनकू बाहर कारण जस्ट टिके बाँ को गले आम महानदी दृश्य व महानदी भ्यूटा को देख पार आपण को। समस्ते अलरेडी चढ़ी गले, मोर चढ़ खाली जहाँ बाकी अच्छी, तो मुझे चढ़ीजी देखा केते मात्रा से महानदी भ्यू देखा जाते रही जा। आम तो ऊपर को जीवार प्लान अच्छी, बहुत ही शानदार घंच जंगल भितर आम फसी जाए। तो यू कि देखा उपर भाग में आहरी सुंदर व्यू देखा जाठी जिते उपर भाग को, उपर भाग रु महानदी जो मजा देखार आनंद पाई लगुच जगह बहुत भल लगे। तो
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତମେ ଆସିଛ, ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତ ଉପରେ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ହଉଛି ବାରି ଆଳୁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଳୁ ନାଇଁ, ଏଣ୍ଡୁଳି ନୁହଁ, ନାଇଁ ଲେଖିଦିଅ କାହ୍ନା ଭର୍ସେସ ନାଇଁ କାହ୍ନା ୱେଡ୍ସ ତ ଆଗରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଟା କୋଉ ମନ୍ଦିର ନା ଲେଖାଇନି, ବହୁତ ଭକ୍ତି ପିଲାଟାର। ତ ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢିଲା ପରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯିବେ ସେଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠୁ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେମିତି ଭ୍ୟୁ ରହୁଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା। ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ତିଆରି ସେଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମନକୁ ନିହାତି କିଣି ନେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମାନେ ପାହାଚ ହେଇଛି, ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚ ଅଛି। ତାପରେ ସିଧା ଏପଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପାହାଚ ଅଛି, ତଳକୁ ବି ପାହାଚ ଅଛି। ତ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବା ଗମନାଗମନର ବହୁତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ମନ୍ଦିର ପଛର ରହସ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ପଛର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭଟ୍ଟାରିକା। ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଏଠାରେ ପରଶୁରାମ ଭଗବାନ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ପିତା ଜମଦଗ୍ନିକୁ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ପରଶୁରାମ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରଶୁରାମ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବାର ପାପ ଲାଗିଥିଲେ, ମାତୃହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଥିଲା। ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଜାଗା, ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେ କେଉଁଠି ତ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ସେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ପଶୁକୁ ଧାରଣ କରି ବୁଲୁଥିଲେ, କୌଣସି ସମୟରେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପଶୁ ଖସି ନାହିଁ। ସେ ଯେବେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ପାଦ ଦେଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପଶୁଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ କି ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ କି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଠାରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ପଶୁ ଖସିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ସେ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ପରେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପରଶୁରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନବଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଧନ ଓ ସର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ସରରେ ଏକ ପଥରରେ ମାଆଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଧନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏ ଥିଲା କିଛି କାହାଣୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଉପର ଭାଗକୁ ଯିବା, ସେଠି କଣ କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଉପର ଭାଗରେ ଅଛି, ତ ଉପର ଭାଗରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେଠି କୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖେଇବି। ମନ୍ଦିରର ଉପର ଭାଗର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହି, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଏଠି ମନ୍ଦିରଟେ ବି ଅଛି। ତ ଇଏ ରହିଲା, କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଛି ପୁରୁଣା କାଳ ଯୋଉ କଠୁ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାପରେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ, ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁ। ଯେବେ ଆମେ ଏହା ଭିତରେ ପଶୁଥିଲୁ ତ ଆମକୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା କି ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶୁଛୁ,
तो गुंफा सदृश थिला ई मंदिर। तो पुराणा काले जेते लोक मान पाखरे घर नथिला सेमाने ई पहाड़ पर्वत घेरा गुंफा भितर रहुथिले। सेठी सेमाने पई किछि खाया पत्र नथिला, सेमाने पशु पक्षी शिकार करी फलमूल खाई रहुथिले। तो ए जो गोटे मंदिर देखुछन एठी मुनि ऋषि मानकर बा जने साधु संतकर मूर्ति एठी कराई, छोटिया मूर्ति गोटे कराई। हे तो आगु साधु संत मैंने तपस्या करेंगे कारण जंगल बा पहाड़ घेरा ये परेश कि महान साधुकर ये मूर्ति गोड़ा गई। तो या विषय तो मुझे किसी अवगत नुह, तथापि मूर्ति देखी जना पड़ा साधु अच्छा कारण ये पाखे जन सत बस लगे कि साधु संतर यहाँ गोटे मठ सदृश बोध अच्छी जो लोक मानी गहली हुए लोक मैंने दर्शन करने आसती जगह बुलवा को जगह को देखा आसी था। तो गुंफा भितर बुला सर गुंफा भितर बोध बहुत ही जबरदस्त है। मैंने आसतु बुला बुली करी किसी सुंदर मुहूर्त ये काट दिं। पूरा ऊपर को आसला पर आपन गोटे व्यू पॉइंट मिले जो ठिया है कि आप पूरा नदी टा को देखी पारी बा, आउ ए टोटल एरिया रा जो सुंदरता रहिला ताको मध्ये आपन ने उपभोग करि परिबे। तो चलन त एबे हमें ऊपर को जिबा, ऊपर हावर केमिति तळ भागर दृश्य केमिति रहि जा परिवेश केमिति रहि ताको देखिबा। तो ये रहिला से व्यू पॉइंट जोटा कि हम एबे चढ़ी के ऊपर भाग को जिबा। संग माने सब ऊपर को ऑलरेडी जाय सरले मु जाके आपन को देखाउ छी। तो देख पार ऊपर भाग रु तो आम नदी दृश्य किसी ये रही सदर बहुत ही सुंदर रही। आसले आप मन शांति निहाती भरीज पहाड़ देश जो पहाड़ छाई रहा से गछ ता भितर आप निजक निहाती हजाई देवे आ जो सुंदरता आपण मन को निहाती किण। सत कह गले नुआ नुआ जगह बुलवा नुआ नुआ स्थान किसी मेमोरी बा किसी स्मृति साउंडीबा नुआ नुआ मंदिर दर्शन करवा ये सब कार्य मत बहुत ही भल लगे। तो कहपर गोटे ट्रैवलर हिसाब से मु लाइफ को देखा से बचा को चाहूँगी जिते लोक को प्रश्न करे जे तुमको बुलाया को भल लगे तुमको नुआ नुआ जगह देखा भल लगे तो से किसी लोक आंसर दिखती हाँ बहुत भल लगे। तो दूर रू तो नदी को देखुले एवं पूरा पखापाखी जावा पखापाखी नदी केते सुअ रही स्रोत रही देखा अलरेडी आम सांग पहुँची सारे सेठी की जाकि पाखर किसी फोटो सुट करवा तो पाखर देखे चाहिए कि नदी किभ भाव बहुत पा तो भयंकर स्रोत रही आपड़ जब आसान सहित आसवे नदी को कौन प्रकार छेड़छाड़ कर मूर्खामी करेंगे ना नहीं तो बहुत बड़ा असुविधा आप सम्मुखीन हे। तो देखिपे नदी सुअ कि स्रोत कि भयंकर भाव हो तो एबे तो वर्षा होनी जो वर्षा जोर हुए ना या ऊपर पानी चढ़ी जाए या ऊपर तो फास्ट पानी चढ़ जाए जो देखुं ये जो विश्राम अच्छी लोक मैंने ठिया होती से ही जगह बुड़ जाए। तो मुझे दिन आपन को देखे जिते वर्षा हम आपट मंदिर बुड़ी अवस्था थी मुझे से दिन आसवाक चेस्टा करी आपण मानक देखेबी कि भाव नदी भयंकर रूप धारण करें मंदिर को बुड़े दे पारे प्रकृति जगह कई नुह। तो प्रकृति ही सब हूँ बड़ बलवान। तो फोटो सुट चली बहुत ही सुंदर जगह ऊपर जी सुंदर तल को भी से सुंदर भाई रोमांचकर गोटे प्लेस। तो कह गले नाइट कैंपिंग करें बहुत ही सुंदर लोकेशन रात आठ कैंपिंग करेंगे यही नदी प्रवाह तार स्रोत तार थंडा पवन आपन को निहाती विभोरित निहाती खुशी कर। परशुराम पूजार्चना परे बड़म्बार राजा ही मंदिर को तैयारी करते मंदिर बेढ़ा मंदिर चतुर्पाश तैयारी कर सहित पूजारी मान निजुक्त करते एक बड़ पर्व है दशहरा। दस दिन धरी माँ को पूजार्चना कराए और ये जो मैंने मानसिक कर आसर मानसिक पूरण होता है विधि अनुसार पर्वत रु पथर गुआणी एठार मानसिक रखि था। मंदिर कदाजी की 33 युग रही अच्छी
दैनंदिन जीवन दैनंदिन आमिष भोग तथा माछ भोग करा जाय थाय सब बुला बुली सरी गला आ एबे होची घर को जिबार समय वर्षा टिके टिके आसिलानी तो जो भी वर्षा जेतु टिके टिके हे गलानी तो हमहु किठी किसम रहिया को पडिबो ले वर्षा छाडीबा तापर हम घर को जिबा तो वर्षा रो पाग देखिबार जो केते जरे वर्षा उठैची आ वर्षा को लोकेशन ता आहुरी चमत्कार भाबे दर्शौची सतेरे बहुत ही सुंदर जगह आ सुंदरता को भाषा रे परिकल्पना करिबा संभव नुह जहाँ केवल आखिरी हाँ देखिकी भा, भाभी हुए फिल कर हुए बर्षा पड़े आम भितर को जी कारण ये गोटे रेस्ट रूम अच्छे ये जाए रही बर्षा छाड़ापर जा दिन पर स्वप्न पूरण है माँ को दर्शन मिलला से मो को बहुत धन्यवाद जन खुशी हेली जहाँ माँ दर्शन दे तो आगे बही जा महानदी तार पानी बहुत प्रखर आठ भाई मैंने काठ संग्रह कर गोटे चुमटा भाया करठर आप देखिथे नदी कूल में दौड़ी साहय चुमटा भाया बांधिकी नदी भितर को फिंगे काठ उपरको काठ संग्रह करेंगे तो एमती चली थाए नीतिदिन काम केठ मिली थाए के काठ मिल न था तथापि से मैंने प्रचेषा कर चली था तो आमको से भाई लाइफ बढ़िया पड़ो के सफलता मिल सफलता बहुत डेरी मिल तेणु से कथा न भाव कि भगवान आश्रय रखी बड़ मान आशीर्वाद नहीं कि आमको आगे बढ़िया चलो पाँच जमी आग को बढ़ी चले पछ कथ भावि सेमती आमको आगक जा आगक आगर भविष्य देखा पचर कौन घटी जा पचर कौन किए धोखा दे पचर किए भूली जाइए भावाटा आम लाइफ रे बहुत बड़ा दुख दब ताको आम भूली जावा कथा तो यठार किसी समय पूर्व बर्षा हरिया पखापाखि एक घंटा धरी वर्षा लग रहा प्रबल वर्षा था नदी पा भी टी बढ़ लगी सहित खुशी लगे कि मंदिर परिसर परिष्कार नदी वर्षार पाणी टी जनदेक चाहिए पछक गोटे परशुराम भगवान मूर्ति अच्छी जमी कही कि परशुराम भगवान यहाँ तपस्या करते गोटे मूर्ति या यापर जेहेतु समय तीन टाइम मंदिर खोलार समय तो ये भाई मैंने भोग धरिकी आसमें एवं भोगराग नहीं माँ का पाखक जावा माँ को पाख दर्शन करवा माँ को पाखर एत दूर को आसीचे जदि माँ को दर्शन न करें तो आसबार प्रचेषा बाठिक आसबार कारण विफल हो तो आम माँ को पाखक आस माँ को दर्शन न करवा किसी लाभ ना ये आसवान तापर मंदिर भितर दृश्य किसी ये थी घंट सब ओहिता घंट बजे माँ को स्मरण कले आग गोटे गेट पड़ो पुणी मंदिर भितर दीटा गेट पड़ो ये हूँ माँ भट्टारिका भट्टारिका माँ को दिव्य दर्शन आपचि मुझे कली आत्मा को शांति लगे जहाँ माँ का दर्शन एत दिन पर कली दु तीन घंटा अपेक्षा कली कि से अपेक्षार फलटा एत मीठा बोली जान नी बहुत खुशी लगला माँ को दर्शन हो गला पूजारी भाई मैंने निजुक्ति अच्छा माँ को पूजा अर्चना माँ को विधि रीतिनीति अनुसार ये दायित्व संपन्न करमी मुझे कि संध्या समय भक्त मान भिड़ धीरे धीरे बढ़ाक लगे तो ये समय हूँ साढ़े चारटा आउ धीरे धीरे लोक मान गहली ये बढ़िया लगुच क्या संध्या समय महानदी पा उपर सूर्य किरण ए मेघुआ पाग सूर्य नहांती तथापि परिवेश बहुत ही सुंदर रही किसी समय पर पर्यटक भक्त मान गहली बढ़िया लगे किंतु आमर ए समय घर को जीवार कारण आमको 60 किलोमीटर दूर को जीवार अच्छी तापर सांग सब ये परशुराम भगवान तपस्या कर स्थान फोटो उठाई थे मो मतरे वीडियो टी आज बहुत ही शानदार थिला आपन को वीडियो टी केमती लागिला कमेंट बॉक्स रे निजर भल पाइबा देबे वीडियो दी भल लागिजे वीडियो को लाइक कर सतो चैनल को सब्सक्राइब करिया को जम्मे भूलिबेनी और आपन ने भट्टारिका मां को दर्शन केबे करथिले तो सेइटा निहाती कमेंट बॉक्स रे जणैबे पुनी देखा पा गोटे नुआ वीडियो रे नुआ अध्याय रे सेति पण रहिली जय मां भट्टारिका।